सुबह सुबह लड्डू कहाँ बन रहे हैं? चलो चलती हूँ जहाँ बन रहे हैं। क्या खुशबू है लड्डू। नानी, मम्मा, आप ये लड्डू नहीं खा सकती। अरे ये लड्डू क्या, मैं ये सारे लड्डू खा सकती हूँ। नानी, ये लड्डू आपके नहीं है। मेरे नहीं, मुझे पता है, ये तो बूंदी के। मम्मा, ये लड्डू रानी देवी की पूजा के लिए है, उन्हें भोग लगाना है। ओ, तो आज पूजा है। लेकिन रानी देवी तो सारा कुछ खा जाती है, प्रसाद में कुछ देती भी नहीं है। मम्मा, ये क्या है, आप अभी तक नहाए भी नहीं है और कपड़े भी नहीं बदले। कितना टाइम लगता है अभी। देखा, बिल्कुल तैयार, अब खा लो लड्डू। खबरदार, पूजा के बाद। अरे मैं तब तक इंतजार कैसे करूंगी। करना पड़ेगा, चल जी। चलो क्या। जय रानी देवी। जय रानी देवी। जय रानी देवी। मम्मा, ये क्या कर रही है, जय रानी देवी करके खड़ा होकर हाथ लगा लड्डू को। नहीं, मैं कहाँ लड्डू हाथ लगा रही थी, मैं तो ठीक से रख रही थी, गिरे ना। जय रानी देवी। मम्मा, क्या हो गया? क्या हुआ नानी, आप खड़े-खड़े डांस क्यों कर रही है? झटका, रानी देवी ने झटका दिया। झटका दिया, जोर करके धीरे ना। बोला भरतनाट्यम करा, तू पूछ रही धीरे का के जोर का। जो बेमन से प्रार्थना करते हैं ना, उन्हें लड्डू नहीं झटका ही मिलता है। चलिए अब आंखें बंद करके रानी देवी से प्रार्थना करते हैं। रानी देवी, हमारे लड्डुओं का भोग लगा। हाँ, सब आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। रानी देवी, हम सब आपके बच्चे हैं, हमसे जो भी गलतियां हुई है उसके लिए हमें क्षमा कर दो। हमने बहुत मेहनत से ये लड्डू बनाए हैं। रानी देवी, हमारे ये लड्डू खाकर हमें आशीर्वाद दो। अरे रानी देवी, सारे लड्डुओं का भोग लगा देगी, तुम इतने बच्चे का क्या? चेहरे पे उंगलियों का निशान कहाँ से आया? किसने थप्पड़ मारा मम्मा? मैंने। रानी देवी। मैंने इसे मारा। लेकिन आपने मम्मी को क्यों मारा? मम्मी तो चुपचाप खड़ी थी ना। देखिए ना कैसे मुंह बंद करके खड़ी है नानी। इसके मुंह में लड्डू है इसलिए ये चुपचाप खड़ी। मम्मा, आप लड्डू खा रही है? और वो भी चुरा के, मेरे भोग का लड्डू खाया इसने। मम्मा, आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन मैं तो आपकी मदद कर रही थी। इतने सारे लड्डू आप अकेली खा जाती, आपका पेट खराब नहीं हो जाता? बेवकूफ परी, तुझे अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं है? आज के बाद तुझे हर चीज में लड्डू ही दिखाई देगा। थैंक यू रानी देवी। दो लड्डू बच गए। मम्मा, ये लड्डू नहीं है, ये रानी देवी के खड़ाऊ है। ये तो दो लड्डू है। तो मुझे लड्डू क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने तुझे श्राप दिया है, तुझे हर तरफ लड्डू ही नजर आएंगे, ये मेरा श्राप है। नहीं रानी देवी, ऐसा मत करना। हाँ रानी देवी, इन्हें माफ कर दीजिए। माफ नहीं, इसे साफ कर दूंगी। रानी देवी, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी नानी से ये श्राप वापस ले लीजिए। जिया, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी बात को नहीं टाल सकती। हाँ हाँ, मगर आज मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। हाँ? और तुम्हें कितने दिन हो गए परी बन के, आज तक तुमने किया क्या है? हाँ, कभी किसी को बैंगन बना देती हो, किसी को बिल्ली बना देती हो, इसीलिए तुम्हें ये शक्ति दी गई थी। लेकिन नानी ने तो मुझे यही सिखाया। नानी के साथ रहेगी तो यही सब करेगी। एक मौका और देती हूँ जी। अगर तू चाहती है कि तेरी नानी लड्डू देखना बंद करे, तो तू 3 ऐसे लोगों की मदद कर जिन्हें तेरी जरूरत हो, उन्हें वो दे जो उनके पास नहीं है, तभी तेरी मोटी नानी लड्डू देखना बंद करेगी। जब तक तू अच्छी परी बन के नहीं दिखाएगी, तेरी नानी लड्डू ही देखती रहेगी। रानी देवी, रानी देवी। हाँ, मम्मा, अब क्या होगा? पता नहीं, घबराहट के मारे मेरा तो गला सूख रहा है। पानी। टेबल पर इतने सारे लड्डू रखे हुए हैं? लड्डू? मम्मा, ये लड्डू नहीं है, पानी का जग है और ग्लास है। जग और ग्लास भी लड्डू लगने लगे? जिया, कुछ सोच, अब तू ही मुझे बचा सकती है, सोच ना। मैं क्या करूँ नानी? सोच सोच, मैं भी सोचती हूँ। मैं भी।
कुछ सोचा कि नहीं? क्या सोचूं नानी, ऐसे कौन से 3 लोग होंगे जिन्हें मेरी मदद की जरूरत होगी? इस वक्त तो सबसे ज्यादा मुझे तेरी जरूरत है। एक तो मैं खुद ही हूँ, दूसरी तेरी माँ है, तीसरा तो खुद ही अपना कुछ भला कर देना। लेकिन मुझे इस शराब से मुक्त कर। हाय हाय हाय, चारों तरफ बस लड्डू ही लड्डू नजर आ रहे हैं और मैं न जाने और क्या कुछ खा लूंगी लड्डू समझकर। अरे मामा जिया हमारी मदद कैसे कर सकती है, हम तीनों तो परियां हैं। हाँ नानी, एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसकी मैं मदद कर सकूं। कहाँ मिलेगा ऐसा इंसान? पॉइंट नहीं था, ये फाउल था। फाउल नहीं था, आउल। मैं तुझे आऊंगा तेरी तो। छोटा समझ के मारता है, पापा से पिटवाऊंगा। हाँ पापा से पिटवाएगा। हाँ पापा से, अगर तेरे पापा लोग तुझे रहते हुए तेरे को पिटवाएगा, देखता हूँ तेरे को कैसा पिटेगा। अरे अरे, तू रो क्यों रहा है? मोंटी ने इसे मारा। क्या, इस लड्डू से? ये किसका है? मेरा है। मुझे देगा? हेलो। हाय राम, इतना बड़ा लड्डू मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं खाया। नानी, लड्डू खा रही हूँ। लेकिन मम्मा ये लड्डू नहीं है, ये बॉल है। बॉल? क्या? हाँ, तभी तो कट नहीं रहा। अब क्यों भूल जाती है कि आपको हर चीज लड्डू दिखाई देती है? हाय राम, क्या करूं, कब होगा ये शराब दूर? ले। अरे जय, ये क्या है, किसे झगड़ कर आए हो? कपड़े भी गंदे कर दिए और खून भी निकल रहा है, क्या हुआ था? मोंटी ने मारा। और तू मार खा के चला आया? मोंटी तो इसे हर रोज मारता है। और ये हर रोज मार खा के चला आता है? वो कितना बड़ा है, वो जिम भी जाता है, क्या बॉडी उसकी। मैं भी ऐसी बॉडी बना के उसको पीटूंगा। अरे जय बेटा, पहले अपनी ये बॉडी तो ठीक कर लो। चलो दवाई लगा लेती हूँ, चलो। बेचारा छोटा है ना, इसीलिए वो मोंटी से मारता है। जिया, ये वो इंसान है जो तुझसे मदद मांगता है। क्या कह रही हूँ नानी? बदल दे इस बच्चे की कहानी। इसकी मदद करूँ? मुझे क्या जरूरत है? देखो ना, मोंटी ने कैसे बिगाड़ दी इसकी सूरत है। हाँ लेकिन क्या भला करूँ इसका? यही कि ये सर फोड़ दे उसका। ये अच्छा काम नहीं होगा। इसी तरह सोचती रही तो कब होगा मेरा शराब दूर? मैं तो यूं ही चिल्लाती रहूंगी और फुटबॉल को लड्डू समझ कर खाती रहूंगी। ठीक है नानी, मैं जय को विश देती हूँ कि वो अपना सेल्फ डिफेंस पूरी ताकत से करे। और जो कोई इसे पंगा ले वो बेमौत मरे। क्या? हाँ, ऐसी स्ट्रांग विश दे, जय में जो कमी हो वो पूरी कर दे। ठीक है नानी। श्रृंग भृंग सर्वलिंग, भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, पूरी करो मेरी ये विश, जो भी जैसे ले पंगा उसकी हो जाए टाइट टाइट विश। अरे क्या हुआ? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी ऋतिक जैसे हो गई है। हाँ हाँ, देख रहा हूँ देख रहा हूँ, इसीलिए तो तू मोंटी से हर रोज मार खाते बैठता है। अब नहीं खाऊंगा, अगर उसने मुझे मारा तो मैं उसकी हवा निकाल डालूंगा। वो कैसे? ऐसे। बाप रे बाप, इतनी ताकत। देखा, इतनी बड़ी बॉल में से हवा निकल गई। लगता है तेरी विश काम कर गई। अब सिर्फ 2 लोगों का भला करना है, लेकिन कौन होगा वो दूसरा? नानी, मुझे लगता है कि पैम को भी मेरी मदद की जरूरत है। उसकी तो बड़ी बिगड़ी हुई सीरत है। हाँ, तो अगर मैं उसकी लाइफ सुधार दूं तो साथ साथ हमारी लाइफ भी आबाद हो जाएगी। सोच कह रही है, कर दे विश, मेरी भी शराब से मुक्ति हो जाएगी। श्रृंग भृंग सर्वलिंग, भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, पैम की आदत को सुधार, नफरत छोड़ वो करने लगे सबसे प्यार। वेरी गुड, तुम्हारी 3 विश हो गई। अब मुझे हर जगह लड्डू नहीं नजर आने वाले। हाँ नानी। लड्डू, ये तो असली हैं, ये नकली नहीं हो सकते। मगर मैंने काफी नहीं पाया क्योंकि ये लड्डू नहीं पत्थर है। मतलब कि शराब नहीं गया, लेकिन तुमने तो 3 विश कर दी, 3 लोगों की जिंदगी भी सुधार दी, फिर क्यों? मम्मी, मम्मी, नानी। क्या हुआ जय? ये देखिए आपके लड़के ने क्या किया, मार मार के मेरे बेटे को काला बना दिया। ये क्या किया जय? इसने मुझे मार मार के बंदर बना दिया। चुप कर, मैं तो दूंगा। खबरदार जय कुछ किया तो मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ।
अपने कमरे में जाओ, चलो। ये क्या हो गया नानी? मैंने तो सेल्फ डिफेंस की विश की थी और ये तो। जिया 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 प्लीज देखना है मीता को क्या हो गया। क्या हो गया? अरे मैं और मीता पिक्चर देखने थिएटर में गए थे और उसके पीछे पांच पांच लड़के आ गए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब हम थिएटर में थे ना तो सारा थिएटर मीता के पीछे, कोई समोसे लेके, कोई पॉपकॉर्न लेके, तो कोई आइसक्रीम लेके। क्या? हाँ यार मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज उससे बात कर, जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरी मीता पांच पांच लड़कों के साथ। मीता 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 अब ये क्या हो गया? इसकी ये वेश कई लोगों के लिए विष यानी कि जहर तो नहीं बन गई है? तू सोच क्या रही है? ये तो जय और मीता थे, मैम के सुधरने की विश की थी, पता नहीं वो किसकी जिंदगी बिगाड़ेगी। क्या?